और नीचे वो नेम पूछेगा, नेम आपने यहाँ पे खुद से नहीं देना, नेम खुद से नहीं देना, ठीक है, नेम इसको सर्च करके देना, इसको क्योंकि ब्राउज नेम सर्च करो कहाँ मिल रहा है, फिर डीसी में आ जाएंगे, फिर डीसी के एडमिन पे कॉल, फॉरवर्ड पर कॉल में, टेस्ट डॉट कॉम में, ठीक है, और ये डीसी टू, ठीक है, कर दे एंट्री जगह ठीक है, हमारे पास उसमें दो तीन दो राइटर फोर किसको मिले हैं, ठीक है, उसके एंट्री भी यहाँ पे अगर मैं लेके आना चाहता हूँ उसकी भी एंट्री आ जाती है, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि सर सर्वर स्टिकेस में हम करते हैं जो मैनुअल एंट्री करते हैं, देखिए ना मतलब क्या होता है, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर किसी कोई अगर आपकी एप्लीकेशन है, कोई आपका वेब सर्वर है, उसको अगर नेम से ओपन करना चाहते हैं, किसके से ओपन करना चाहते हैं, नेम से, नेम से ओपन करना चाहते हैं ना, तो जब तक उसमें आप रिवर्स एंट्री ऐड नहीं करते तब तक वो नेम से ओपन नहीं होता, क्योंकि रिवर्स में कौन सी एंट्री ऐड होती है उसमें आपका एनएस लुकअप वर्क करता है, ठीक है, एनएस लुकअप की वर्किंग कब होती है, जब वो रिवर्स एंट्री ले जाता है, क्योंकि जो आईपी से जब आप पेज ओपन करते हैं या कोई चीज ओपन करते हैं तो उस टाइम उसका एड अगर ऐड हुआ, अगर उस आईपी को हटा के अगर नेम से ओपन करना चाहते हैं उस केस में आपकी रिवर्स एंट्री कंपलसरी, अदरवाइज वो नेम से ओपन करें, ठीक है, हम जो साइट ओपन करते हैं www.google.com या www.com वो जो साइट ओपन होती है नेम से, इट मींस कि इसका रिवर्स लुकअप की एंट्री ऐड, अगर तो आप उसका नेम लिखें, नेम लिखें तो आपको पेज को शो कराएगा, शो करा के ऊपर दोबारा से वो क्या करते हैं आईपी लिखते, इट मींस आप समझ लें कि इसके जो है रिवर्स एंट्री ऐड, तो ये सर एक एप्लीकेशन है ना मेल वाली, उसमें वही होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफिस के ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि नेम रेजोल्यूशन रिवर्स एंट्री आपकी प्रॉपर नेम रेजोल्यूशन करती है, ठीक है, नेम रेजोल्यूशन उसी केस में पॉसिबल है अगर आपने रिवर्स एंट्री ऐड की हो, जिस तरह आप वीएम पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वी एम में याद रखिएगा नेक्स्ट में जब वी सेंटर आप उसको इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है, तो वी सेंटर में उसके जब वी सेंटर इंस्टॉलेशन होती है तो उस टाइम जब उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन बेसिक इंस्टॉलेशन की बात करें कॉन्फ़िगरेशन, तब उसका नेम ऐड कर देना वी सेंटर डॉट जो भी आपका डोमेन नेम है ऐड, तो वो साथ ही आपको एरर प्रॉम्प्ट करता है, वो एरर उस वक्त नहीं देगा कि अगर आपने पहले जाकर डी एन एस उसके एंट्री रिकॉर्ड बनाया, अगर बनाए होते तो वहाँ से एंट्री उठ पाता, वो तो कहता है ठीक रहता है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे नेम डाल के आपको अगर एंट्री नहीं ऐड की तो सिंपल फिर आपको आई पी पड़ेगा, समझ आ गई चीज की, सर जब हम किसी मशीन के ऊपर डोमेन ज्वाइन करते हैं और डीएनएस भी उसमें एंट्री दे देते हैं आईपी सेटिंग में, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी एंट्री क्रिएट हो जाती है फॉरवर्ड लुकअप अकाउंट में, ये ऑटोमेटिक एंट्री क्रिएट हो जाती है, ये एंट्री अब आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ती, ऑप्शन में लास्ट में दिखाई दी थी, हाँ आप कहते हैं एंट्री यहाँ पे क्रिएट ना हो फिर उसको चेंज कर दें इसकी सेटिंग को, सर ये आईपी 4 आईपी 6 के दोनों दोनों का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, मैं बता रहा हूँ ये नन इसको नन कर एंट्री नहीं हो रहा है, फिर यहाँ एंट्री क्रिएट नहीं हो रही, एंट्री यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है, ये ऑप्शन एंट्री ना क्रिएट करने के लिए, ठीक है, मुझे ऑप्शन किसकी दारी का अपडेट, ठीक है, नॉन सिक्योर और सिक्योर ऑप्शन किसकी है, अगर वर्क ग्रुप में सिस्टम है उसको ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं, अच्छा नॉन सिक्योर नॉन सिक्योर एंड सिक्योर वर्क ग्रुप के स्टैंडर्ड, ठीक है, सिक्योर ओनली हम उस वक्त करते हैं जब ओनली पूरा एनवायरनमेंट मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा किसमें डोमेन एनवायरनमेंट में चल रहा है, ठीक है, उस केस में आप सिक्योर करेंगे मतलब कि अपने एनवायरनमेंट को टोटली सिक्योर करना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं कभी तो कोई कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन आगे वो वर्क ग्रुप स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन और डोमेन रूल से जाकर लेता हो, ठीक है, उस केस में मतलब आप पूरे एनवायरनमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं उस केस में हमें सिक्योर ओनली यूज करें, क्लियर है,
ये ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। उसके नीचे और ऑप्शन नोट करनी है तो कर लें, थोड़ी सी जरा स्पीड, ठीक है। ये नीचे ऑप्शन आती है एंजिन एंड स्कैंडिंग, ठीक है। ये ऑप्शन होती है बेसिकली आपके डीएनएस के अंदर, अगर आगे आप डीएसपी सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो डीएसपी सर्वर जब अपने टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट करके एंट्रीज को रिमूव करता है, ठीक है, तो इसमें ये टाइमर होते हैं बेसिकली डीएनएस के अंदर में टाइमर लगे, ठीक है। इस टाइमर को आप चेंज कर सकते हैं, इसके बाद ये सात दिन तक एंट्री रखते हैं, उसके बाद इसके अंदर से भी एंट्री रिमूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्लियर जी? उसके बाद एसओ रिकॉर्ड्स, ठीक है, स्टार्टअप अथॉरिटी रिकॉर्ड्स। स्टार्टअप अथॉरिटी रिकॉर्ड्स में सबसे ऊपर आ रहा है सीरियल नंबर, क्या आ रहा है? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या है? 47, ठीक है। इस सीरियल नंबर से अगर तो आपके एनवायरमेंट में आप एक से ज्यादा डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हैं तो आपको इस सीरियल नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। एक से ज्यादा अगर डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हैं, आपके जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर होगा, ठीक है, उसके ऊपर एंट्री अगर आ रही है आपके 47, क्या आ रही है एंट्री 47, आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद आपकी ये एंट्री चेंज हो जाती है, सीरियल नंबर चेंज हो जाती है। सीरियल नंबर बाद में हो सकता है 48-49 को दे दे समथिंग, ठीक है। इस सीरियल नंबर से आप ये जज करते हैं, अगर आप सेकेंडरी जोन को ओपन करते हैं, अगर उसके ऊपर सेम सीरियल नंबर आ रहा है, ये वाला प्राइमरी वाला, इट मीन्स आप कहते हैं कि